अंतिमिराम दस्योना निश्लाघया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पदुर्भ्यः कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रिय देवी सत्यवतये नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाज्ञ प्रणाम करता हूँ। हाँ, गतकल्य हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री सुखदेव गोस्वामी रासलीला वर्णना करने का प्रारंभ में जीवों को उन्होंने सूचित किया, सावधान कर दिया, जो रास रचा रहे हैं वो भगवान हैं, वो जीव नहीं। कहते भगवान किसको कहते हैं? बोले जिनको अंदर में छह ऐश्वर्य हो। बोले समग्र सस्य ऐश्वर्य वीर्यस्य जसस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सरणांग भव इति गणः। इनको भगवान कहते हैं। लेकिन अभी कलयुग में तो इतने भगवान हो गए, जैसे खेत में बीज होते हैं ना, ऐसे ही सब अभी भगवान, अभी नए 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 भगवान आ रहे हैं। अमुक भगवान, अमुक भगवान, ये भगवान, ये भगवान, क्योंकि भगवान का डेफिनेशन जीव नहीं जानते हैं, इसलिए ये सब गलत काम करते हैं। अगर भगवान का डेफिनेशन इनको पता होता तो कोई किसको भगवान कभी किसको बोलेगा नहीं। इसलिए छह ऐश्वर्य किया है। बोले समग्र ऐश्वर्य, बोले थोड़े मोटे पैसा नहीं, केवल भारत का धनी नहीं है, जैसे अंबानी है, केवल भारत का नहीं, केवल अमेरिका की नहीं, रशिया की नहीं, फ्रांस का नहीं, केवल पृथ्वी का नहीं, केवल ब्रह्मांड का नहीं है, जो बोले अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड, ब्रह्मांड नहीं, ब्रह्मांड का बाहर भी है, जहाँ शिव लोग, जहाँ वैकुंठ लोग, जहाँ अयोध्या, जहाँ द्वारका, जहाँ मथुरा, गोलोक वृंदावन, कहते ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड से जो बाहर भगवत धाम है, सारा दुनिया का ऐश्वर्य का जो मालिक हो उसको भगवान कहते हैं। इसलिए समग्र से ऐश्वर्य, बोले वीर जैसे, वीर मतलब होता है पराक्रम। बोले जिनके पराक्रमों को साथ में जगत का किसी के पराक्रम को हम बराबर नहीं कर सकते। इसलिए कृष्ण लीला में दिखाया, कृष्ण जो के बोले छह दिन का थे, उन्हें पुतना को मार डाले। इसमें दिखाया कृष्ण का जो होठ में कितने शक्ति है। कृष्ण जब 3 महीना के हुए, शकटासुर को मारे। दिखाया कृष्ण का चरण की नख में कितना ताकत है। जब कृष्ण केवल कृष्ण हुए, 3 महीना के हो गए, कृष्ण
कहते वो तिन्नाभरत को मार डाले, वहां पर दिखाया कृष्ण की चरण की ठोकर में और उनको हाथों में कितने शक्ति है 3 महीना में। और जब कृष्ण केवल हुए 4 साल के, उन्होंने बकासुर को मार डाले। जब 5 साल के हुए तो उन्होंने अघासुर को मारे। जब 6 साल के हो गए कालियों का सर को पर नृत्य किया। जब कृष्ण 7 साल के हो गए तो उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को उठा लिया। अभी सबको भगवान कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं कृष्ण तो पूरा गिरिराज को उठा लिया। अभी एक 10 क्विंटल का पत्थर लाओ और कृष्ण जो भगवान कहते उसका सर पर रखो, केवल 10 क्विंटल पत्थर लाओ। कृष्ण तो इतना बड़ा गिरिराज उठाया है। कृष्ण ब्रज में तीन तीन बार उन्होंने अग्नि को पान किया, तीन तीन बार अग्नि। अभी जो भगवान जिसको कहते हैं थोड़ा आग ला करके मुंह में लगाओ, देखो कृष्ण कालियों के सिर पर नृत्य किया, जहां पर कोई चिड़िया उड़ करके नहीं जा सकते, आसपास में कोई पेड़ पौधा नहीं है। कृष्ण वो पानी उबलता था, इतना जहर था, लेकिन कृष्ण वहां पर उन्हें तैरे। अभी जिसको भगवान कहते हैं थोड़ा जहर लेकर मुंह में देकर देखो। इसलिए जीवों को भगवान की तत्व के विषय में पता नहीं, इसलिए जिसको तिसको जीव भगवान बोल देते। इसलिए समग्रस्य ऐश्वर्यस्य बोले वीर्य, ब्रिज मन का पराक्रम दिखाया है। ब्रिज बोले जस, बोले केवल भारत में जैसे नहीं, ब्रह्मांड में नहीं, सारा दुनिया में जिनका जैसे है हो। जसस्य श्री, श्री मतलब सुंदरता, बोले जिनकी सुंदरता को सामने और किसी की सुंदरता को हम बराबर कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कृष्ण के लिए बताया नव किश्वर नटवर, हर समय भगवान का जो उम्र है किश्वर अवस्था रहता है। 14.5 साल से कभी उनका उम्र ज्यादा नहीं होता है, उनका दाढ़ी नहीं होता, उनका मोच नहीं होता, उनके बुढ़ापा में उनका चमड़ी ढीली नहीं पड़ता है, उनका केश काला नहीं होता है। अभी जिसको भगवान कहते हैं काम मर करके भूत हो गए, बुढ़ापन करके, हम इसको भगवान कहते हैं। और भगवान अपना पूर्ण धाम को साथ में इसी जगत में आते हैं और अपना धाम समेत यहाँ से अपना धाम में चले जाते हैं, हैं? इसलिए कहते भगवान की जो किश्वर नव किश्वर नटवर है, इसलिए भगवान को बताया भूषणांग भूषणांग में। हम जो अर्नामेंट धारण करते, गहना कपड़ा पहनते कि हम सुंदर लगे, हम सुंदर लगे इसलिए, लेकिन भगवान को जो गहना पहनाते सुंदर के लिए नहीं। कृष्ण का सुंदरता नहीं बढ़ता है, गहना की सुंदरता बढ़ जाती है। कृष्ण का सुंदरता नहीं बढ़ते हैं, बोले कृष्ण की कपड़े क्यों पहनते हैं, बोले उनको नजर नहीं लग जाए। कृष्ण इतने सुंदर है इसलिए उनका शरीर में किसी का नजर नहीं लग जाए। इसलिए मैया जशोदा कृष्ण का शरीर को ढक कर रख देती, हाँ, किसकी नजर नहीं लग जाए। इसलिए कृष्ण इतने सुंदर है कृष्ण, हाँ, इसलिए। लेकिन इसी जगत में जिसको हम साधारण भगवान कहते, तो पता नहीं कैसे मर करे कहाँ चले गए, हाँ, और कहाँ बूढ़ा हो गए। इसलिए इतने कृष्ण सुंदरता, लक्ष्मी जिसकी सुंदरता सुन करके स्वयं पागलिनी बन जाती है, नारायण और जिनकी सुंदरता को सुन करके बच्चों को चोरी करते हैं। कृष्ण कहते कृष्ण माधुर्य सुनी वासुदेव को, कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं और वही कृष्ण जब वसुदेव नंदन मथुरा में रहते हैं, जब मथुरे से कृष्ण वृंदावन कृष्ण की सुंदरता को सुनते हैं वो स्वयं पागल हो जाते हैं। बोले कृष्ण जब वृंदावन में रहते हैं उनकी सुंदरता को देख करके जो मथुरा के जो कृष्ण है वो उनको मन में खोफ होता है, कृष्ण इतने सुंदर है। और जो कृष्ण ब्रज में रहते हैं अपना छवि को कभी मणि स्तंभ के ऊपर में अपना प्रतिबिंब को देख करके कहते अपर कलित पूर्वम कस चमत्कार करी, कौन है इतने सुंदर है कौन। इसलिए वो सोचते हैं कब मैं राधा रानी बन करके ये रूप को मैं कब आलिंगन करूं। इसलिए कलयुग में कृष्ण स्वयं श्री राधा जी के भाव अंकन लेकर के आए। इसलिए बोले जिनकी सुंदरता को सामने किसकी सुंदरता को हम बराबर कभी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बृहत भागवतामृत में हमारे श्री सनातन गोस्वामी नव वृंदावन का वर्णन करते हैं कृष्ण की सुंदरता। बोले एक समय कृष्ण जब थे मथुरा में, एक समय वृंदावन का याद करते करते, मैया जशोदा के प्रेम को याद करते करते, श्री राम वसुधाम के प्रेम को याद करते करते,
वहां पर गोपियों को याद करते करते, राधा रानी को याद करते करते, कभी कृष्णा बेहोश हो गए मथुरा में। जब बेहोश हो गए बोले अभी क्या किया जाए, अभी क्या किया जाए। इतने में श्री नारद जी आए, तब नारद जी को बोले, नारद जी एक काम करो, आप थोड़ा ब्रज का कीर्तन करो, कृष्ण का थोड़ा होश आएगा। बोले देखो मैं तो कीर्तन कर सकता हूँ, होश तो आएगा, लेकिन ये कृष्ण रहेंगे नहीं, ये फिर वृंदावन चले जाएंगे। बोले फिर क्या किया जाए, बोले एक काम करो, ब्रह्मा जी को बोल करके एक नव वृंदावन बनाओ। तो ब्रह्मा जी ने एकदम एक नव वृंदावन बनाया, जैसे एकदम वृंदावन में कृष्ण जैसे सखाओं को साथ में, जैसे गैया चराने के लिए जाते हैं, कैसे मैया यशोदा हाथ में मक्खन लेकर के कृष्ण को कैसे खिलाती हैं, और कृष्ण जब गैया चराने जाते हैं कैसे गोपियां कुंजों की आड़ से देखती हैं, राधा रानी कैसे घूंघट उठा करके कृष्ण को ऐसे तिरछी नजर से देखती हैं, कैसे सखा लोग कैसे चलते हैं, पूरा वृंदावन जैसे बनाया। कभी कभी ये महिषिया सोचती थी, कृष्ण हम तो एक से एक सुंदरी, सत्यभामा रुक्मिणी कालिंदी है, हम तो एक एक सुंदरी, लेकिन ये कृष्ण जब हमारे साथ में सोते हैं ना, कभी कभी सोते हैं तो हमारे साथ में, लेकिन रोते हैं वृंदावन वासी के लिए। हमारा कपड़ा खींचते हुए कहते हैं, ललिते तुम कहाँ हो, हे विशाख है तुम कहाँ हो, हे राधे तुम कहाँ, रोते हैं ब्रज वृंदावन के लिए। इन लोगों ने क्या ऐसे जादू टोना किया, और हम एक से एक सुंदरी, और सारे आर्ट में है, सारी कलाओं में हम निपुण हैं, लेकिन ये क्यों रोते हैं ब्रजवासी के लिए, ब्रज में क्या प्रेम है। इसलिए ये कभी कभी ये चीज को सोचा करते थे। इसलिए अभी बोले एक काम करो, कृष्ण को यहाँ से उठा करके ले जाओ नव वृंदावन में, हाँ गरुड़ को पीठ पर रखे और उनको लेके नव वृंदावन में। और नारद जी ने कहा, देखो और एक काम करो, कृष्ण को पास में कोई मत रहा करो, क्योंकि कृष्ण वृंदावन का याद करते करते वो बेहोश हो गए। अभी हम वृंदावन का कीर्तन करेंगे कृष्ण, तब भी उनका होश आएगा। हाँ, और उनको सारे जो द्वारका का ड्रेस था ना, वो ड्रेस बदला दिया, बदला करके उनको पूरा वृंदावन का ड्रेस में पूरा सजा दिया। कृष्ण जैसे गले में फूल माला पहनते हैं, मयूर मुकुट लगाते हैं, हाथ में बंसुरी धारण करते हैं, और रुक्मिणी सत्यभामा को सब बोले बोले दूर चले जाओ, सबके सब दूर से देखो उद्धव जी को। और एक पद्मा, पद्मा कंस का जो मैया है, कंस की जो मैया एकदम बूढ़ी हो गई, 100 साल की बूढ़ी हो गई, बोले तू दूर में रहा करो, पास में बताया करो है। अभी सबके सब दूर में, अभी इतने में बलदेव प्रभु, और बलदेव प्रभु को बोले, बोले कृष्ण को आप जगाना। इतने में और सामने समुद्र है, और वहां पर ग्वाल बाल और सखास और कुंज बड़े एकदम वृंदावन जैसे बनाया। इतने में बलदेव प्रभु आ करके बोले, कन्हैया कन्हैया कब तक तू सो गए, देख सूर्य उदय हो गए, आज बहुत दूर तो गया चराने के लिए जाना का, देखो ये सखा लोग कैसे तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, दाम वसुदाम मधुमंगल स्तो कृष्ण अर्जुन लवंग, देखो सबके सब कैसे खड़े हुए, और देखो ये गोपियां कैसे तुमको खिली उड़ा रही है, तुम सो रहे हो अभी तक, और मैया जशोदा कैसे मक्खन लेकर के बैठी हुई है, कन्हैया उठो जल्दी उठो कन्हैया। जब उन्होंने कन्हैया को ऐसे उठाए ना, कृष्ण तो वृंदावन की याद करते 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 बेहोश हो गए, वो सोच रहे मैं वृंदावन में। कृष्ण जब वृंदावन में जब रहते हैं, उनका जो चाल, उनका जो देखना, उनके जो चलना है, उनका जो शरीर का भंगी, एकदम कृष्ण वृंदावन में जैसे रहते थे, कृष्ण ठीक ऐसे ही जब उठे, और पूरा वृंदावन का ड्रेस है वो सोचो मैं वृंदावन में, और बलदेव प्रभु अपना ड्रेस को बदला दिया, बदला करके ब्रज का ड्रेस पहने हुए, उनको लग रहा है जैसे मैं वृंदावन में। जब कृष्ण खड़े हुए वृंदावन का भाव से, इतने सुंदर कृष्ण का रूप था, और उनका जो चलना बोलना ब्रजवासियों को, चाहे उनका जो हाव भाव था ना, जो पद्मा वो बूढ़ी हो गई थी, वो दूर से जब कृष्ण को रूप को देखी, वो भूल गई मैं बूढ़ी हूं, वो सोच रही मैं छोरी हूं, हाँ 15-16 साल के मैं कोई लड़की हूं, मतलब कृष्ण इतने सुंदर थे वो भूल गई जब मैं बूढ़ी हो गई है। और कृष्ण को आलिंगन करने के लिए ना, वो वहां से भागी, वहां से वो भूल गई मैं है,
मैं बूढ़ी हूँ और किसी तरह से उद्धव जी नारद जी उनको पकड़ कर किस तरह से लोग और जो रुक्मिणी सत्यभामा थे उन्होंने जब कृष्ण का रूप को देखा, मतलब वृंदावन का जो रहना इनका जो चलना है वो रूप को देखकर वो भी अपना को संभाल नहीं सके हैं, वो भी कृष्ण को पकड़ने के लिए दौड़ रही थी, उनको किसी तरह से वहां रुकवाया गया है, रुका गया। जो सत्यभामा को ये अनुभूति हो गई सचमुच से कृष्ण ब्रजवासियों को जैसे प्रेम करते हैं, ब्रजवासियों की गोपियों की राधा रानी का और उनका जो दासों का प्रति कृष्ण का जो प्रेम है वो प्रेम हमारे प्रति नहीं। वो पहले सोचा करती थी ये ब्रजवासियों ने किया उनको जादू टोना कर दिया, किया उनको कर दिया, ये रहते हमारे साथ में उनको याद करते हैं। आज उनको ये चीज अनुभूति हुई सचमुच से ब्रजवासियों के साथ में हम कभी तुलना कर ही नहीं सकते। कृष्ण ब्रज में रहते समय उनका जो हाव भाव कटाक्ष भंगी उनकी जो चाल चलना बोलना, मतलब ब्रजवासियों के प्रति उनका जो प्रेम किसी का प्रति हो ही नहीं सकता है। कृष्ण जब नींद से उठे मैया जो था मक्खन लेकर बैठी हुई थी, उनको लगा जे मैया तो मक्खन लेकर बैठी और इतने सुंदर बनाए लग रहा था सचमुच से मैया बैठी हुई है, मैया बैठी हुई। इतने में कृष्ण जब जगे मैया को देख करके बोले मैया मैया मैंने रात है ना कितना स्वप्न देखा, मेरी शादी हो गई है, कितने रानियों को साथ में कितने शादी हो गए मैं और मैं कहाँ कहाँ क्या किया। बोले मैया मैं आ करके ना तेरे को सारी बात बताऊंगा, मैं जो स्वप्न देखा आज देर हो गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ गैया चराने के लिए। और जब कृष्ण चल रहे थे और कुंज में सुंदर सुंदर गोपियां जैसे कृष्ण को देखती ना घूंघट उड़ा करके ऐसे ही सब गोपियां देख रही थी और लास्ट में राधा रानी, कृष्ण जब राधा रानी को देखे देखा जैसे राधा रानी थोड़ी मान करके खड़ी हुई, तब कृष्ण कह रहे हाँ लगता है तेरे को मेरे स्वप्न की बात तुमको पता चल गया है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को प्रेम करता है ना, अगर उसको पता चले मैं जिसको प्रेम करता हूँ वो और किसको प्रेम कर रहा है फिर उसका मन क्या खराब हो जाएगा ना। हाँ लगता है तेरे को पता चल गया मेरे मन की बात, मेरी और शादी हो गई, स्वप्न देखा ना उन्होंने। बोले स्वप्न देखे हाँ, यहाँ पर कृष्ण जो कह रहे हैं मैं स्वप्न देखा हूँ कृष्ण का शादी हो गया सचमुच से 16,160 पटरानी के साथ शादी हो गई, लेकिन कृष्ण सोच रहे मैंने स्वप्न देखा। इसका मतलब है कृष्ण कह रहे हैं मैं ब्रज प्रति जो मेरा जो प्रेम है ब्रजवासियों का प्रति यही प्रेम ही मेरा सही प्रेम है असली प्रेम है। और जो मैं महिषियों के साथ में शादी किया ना ये तो स्वप्न है, शादी वादी कुछ नहीं है स्वप्न है, लेकिन जो असली जो प्रेम है हमारी ये ब्रजवासी राधा रानी गोपियों का प्रति असली प्रेम है और किसी का प्रति मेरी असली प्रेम नहीं है। हैं इतने में राधा रानी को देखा देख करके बोले लगता है तेरे को पता चले गया इसलिए तू थोड़ा मान ही करके आई हो हैं, मैं जब जल्दी जा रहा हूँ फिर आकर ना तेरे से बाद में मिलूंगा। फिर जब कृष्ण थोड़ी दूर आगे जाते है ना सामने दिख रहा था जैसे जमुना दूर से समुद्र को देख करके, लेकिन जब थोड़ी दूर गए देखा बड़ी बड़ी लहरियां आ रही समुद्र की, समुद्र है हाँ बड़ी बड़ी लहरियां। कृष्ण तो चौंके बोले ये क्या ये समुद्र कहाँ से आ गया, मैं तो मत वृंदावन में था जमुना तो, और मेरे ये जो ड्रेस वृंदावन का ड्रेस है ये सब समुद्र कहाँ से आ गया। फिर देखा इधर उधर बड़ा बड़ा अटालिका है जैसे द्वारका में बड़ी बड़ी महल है हाँ। बोले कृष्ण बोले ये क्या चीज है, तब इतने में कृष्ण बलदेव प्रभु को पूछे बोले बलदेव ये सब क्या है। बोले कृष्ण तू वृंदावन की याद करते करते है ना तू बेहस हो गया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने ये नव वृंदावन उन्होंने बनाया है, नव वृंदावन बना करके तेरे को मैंने होश दिलवाया और वहां से यहाँ तक लाया गया, ये सब बहुत कुछ लीला हुई है अभी जगह तो बाद में सारी बात बताऊंगा। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण वृंदावन में कृष्ण रहते समय उनकी जो सुंदरता है किसी को साथ में बराबर नहीं कर सकते, इसलिए कहते श्री श्री मतलब कृष्ण का जो सुंदरता, इतने सुंदर कृष्ण वृंदावन के कृष्ण स्वयं अपना रूप देकर के मुक्त हो जाते हैं कृष्ण। इसलिए समग्र ऐश्वर्य से ब्रज से बोले जस श्री बोले ज्ञान है कृष्ण जो पूर्ण ज्ञान थोड़ी मोटी ज्ञान नहीं। इसलिए कृष्ण जब गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए
शांतिपनी ऋषि ने जब इनको विद्या अध्ययन कराया, जैसे 64 आर्ट है, 64 विद्या बताया है, जितने जगत में जैसे कोई सीए कर रहा है, कोई पीएचडी, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, और कोई आर्ट फार्ट, जगत में जितने कला है ना, कहती ये 64 कला है। जैसे तुम डॉक्टर किया हो, जिंदगी पूरी लग गई डॉक्टरी करते करते, अभी भी ज्ञान पूरी नहीं हुई है, अभी भी बहुत ही है। लेकिन जब शांति बनी ऋषि कृष्ण को जब कोई एक विद्या सिखाया करते थे, दूसरे दिन बोलना पड़ता है कृष्ण सूत्र वृत्ति टीका को साथ में कृष्ण बोलते थे, शांति बनी ऋषि बोलते थे ये क्या, मैं तो उनको थोड़ा सा पढ़ाया, लेकिन ये तो दूसरे दिन मेरे को पूरा के पूरा टीका व्याख्या को साथ में, मतलब एक दिन में कृष्ण 1 आठ समाप्त है, 1 आठ समाप्त, दूसरे दिन में दूसरे, तीसरे दिन में तीसरे, उन्हें 64 दिन में उन्होंने सारी 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन कर लिया। शांतिपनी ऋषि तो देख देख रहा आश्चर्य हो गया, बोले एक जो स्टूडेंट आता है एक विद्या को लेने के लिए उसको पूरा जीवन लग जाता है, लेकिन ये उतने 64 दिन में पूरा 64 विद्या को उन्होंने अध्ययन कर लिए। तब लगा कहते भगवान के व्यतीत ना कभी किसी के अंदर में इतने ज्ञान हो ही नहीं सकता है, मेरे अंदर में ज्ञान नहीं। तो उनको पत्नी को बोले देखो नियम है, जब विद्या पूरी हो जाता है शिष्यों को गुरु को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, बोले इसको परीक्षा करेंगे, ये गुरु दक्षिणा है इसको परीक्षा करेंगे। बोले क्या परीक्षा है, बोले ये अगर भगवान होता है ना, भगवान का डेफिनेशन ने बताया अकर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो सकते सैव ईश्वर, ईश्वर का डेफिनेशन ने बताया जो है को नहीं और नहीं को जो है कर सकता वो ईश्वर है, हम उसको परीक्षा करेंगे। बोले क्या परीक्षा करेंगे, बोले जो असंभव को जो संभव कर दे, बोले मरा हुआ व्यक्ति को भी जो जिंदा कर दे और जिंदा व्यक्ति को मरा कर दे, दिन को रात और रात को जो दिन कर सकते वो भगवान है, हम परीक्षा कर लेंगे। बोले क्या परीक्षा करेंगे, बोले बचपन में हमारा बच्चा मर गया, हम जब दक्षिणा देना चाहेगा ना हम बोलेंगे मरा हुआ बच्चे को वापस ला, अगर मरा हुआ बच्चे को वापस ला सकता है फिर तो समझेंगे भगवान है। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा रूप में मरा हुआ बेटे को उन्होंने मांगे, फिर तो कृष्ण समुद्र में प्रवेश किए, प्रवेश करके शंखासुर को मारे, वहां से 5 जन ने शंख को लिया, फिर उनने जम महाराज के पास में गए, वहां पर जो शंख बजाया ना जम तो कांपते 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 आए, बोले क्यों, बोले लगता है मेरा नंबर आ गई। बोले किस चीज की, बोले कृष्ण अवतार में सभी का अभिमान प्रभु ने तोड़े, सबको दंड दिए हैं, इंद्र को भी दंड दिए, ब्रह्मा को भी दंड दिए, सारे देवता को भी परास्त किया, लगता है मेरा ही नंबर आ गया। जब महाराज काल तो कांपते 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 आए, प्रभु को चरण में प्रणाम किया, बोले प्रभु क्या सेवा करे, बोले मेरे गुरु पुत्र को वापस दाओ। उन्होंने मृत गुरु पुत्र को उन्होंने वापस लेकर के गुरु दक्षिणा रूप में दिए, कह ये भगवान है, अभी कोई है जो मर गया उसको वापस ले जाए। लेकिन ये बात को जो देवकी ने सुनी, कृष्ण ने मरा हुआ पुत्र को वापस लाया, देवकी भी बोली बोली कृष्ण मेरे भी छह छह बच्चों को कंस ने मार डाला, तेरे छह छह भैया थे, मेरे मन में बड़ी इच्छा है अपना बेटे को देखने के लिए, ला सकते हो, फिर कृष्ण गए और मरा हुआ 6 बच्चों को कर ला। फिर द्वारका में जब ब्राह्मण का बच्चा मर जाता था है, अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की मैं तेरे मरे हुए बच्चे को रक्षा करूंगा नहीं तो मैं अग्नि में शरीर को दे दूंगा, कृष्ण वहां भी कहां पर गए, महाकाल भगवान को पास में गए है, भगवान नारायण को पास में गए, वहां से भी उन्होंने मरा हुआ पुत्र को बच्चे को लाए। कहते इनको भगवान कहते हैं जो मरे हुए बच्चे को ही, अभी कई भगवान है जगत में जो मरे हुए बच्चे को ला सकते हैं, लेकिन हम भगवान के विषय में लोग कुछ जानते नहीं, इसलिए जिसको तिसको ये भगवान अमुक भगवान साई भगवान ये भगवान करके जिसको जिसको पीछे ना भाग रहे सो पागल है। इसलिए बोले समग्र ऐश्वर्य ब्रज जैसा श्री, बोले ज्ञान और वैराग्य जिनके अंदर पूर्ण वैराग्य हो, ये रासलीला में वैराग्य दिखाएंगे हम आगे सुनेंगे। कृष्ण बंसुरी बजाने पर जो गोपियां आए, जहां पर सुंदर जहां जूही बेली चमेली खिल रहा है, जहां पर कोई नहीं एकांत रात, और एक से एक सुंदरी सब गोपियां आए, कृष्ण ने कहा अच्छी बात तुम लोग आए हो, वृंदावन दर्शन किया वापस चले जाओ, कहती है वैराग्य। और कृष्ण प्रभास क्षेत्र में जाकर के
पूरा उनका परिवार के साथ में लड़ाई युद्ध करा के सबको समाप्त करवा दिया। समाप्त करके कृष्णा फिर अपना धाम में कृष्ण चले गए। हाँ, इसलिए भगवान के अंदर में वैराग्य भगवान के अंदर में दिखाए ये सब चीज में, इसलिए इनको भगवान, इसलिए पहला श्लोक में मतलब भगवान अपी रास रचया वाला ये साधारण नहीं, ये भगवान है। अभी कृष्ण उसको पहले गोपियों ने कात्यायनी व्रत की, 1 महीना तक उन लोगों ने बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नम कदी, जो मंत्र है ना बड़ा बलवान मंत्र है, उसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक एक शब्दों को उन्होंने अद्भुत अद्भुत उन्होंने अर्थ बताया। कात्यायनी क्यों, महामाये क्यों, महाजोगीन अधीश्वरी, एक एक शब्दों को उन्होंने अद्भुत अद्भुत बताया। बोले कितने कितने गोपी, जो गोपी जो आराधना की कात्यायनी की, कितने कितने उम्र की, बोले 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने कितने बड़ी होती है, छोटी छोटी होती है। और सबके सब सवेरे सवेरे उठ करके सब दूसरे दूसरे गोपियों को बुला बुला करके लेकर जाती थी और यमुना में स्नान करती थी और रेती की कात्यायन मूर्ति बना करके और इसी मंत्र से आराधना करती थी, हैं, इसी मंत्र से आराधना करती थी। बोल हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे अधीश्वरी, मतलब अब अघटन घटना पटे ऐसी, क्योंकि आप जोग माया रूप है, असंभव को संभव कर सकते हो, अगर आप हम लोगों पर में कृपा करते हो, जो नंद गोप जो कृष्ण है ये हमारे जैसे पति बन जाए। अभी प्रश्न है बोले इतने छोटे छोटे बच्चियों को पति पत्नी का क्या संबंध है, जो 2.5 साल, 4-5 साल के इनके अंदर में पति पत्नी को क्या पता है, पति क्या होता है, पत्नी क्या होता है। बोले कृष्ण को पति रूप में प्रार्थना क्यों कर रहे, बोले कारण है देखने में तो लग रहे हैं छोटी है लेकिन बड़ी खोटी है, क्योंकि पूर्व पूर्व जन्म का बहुत तपस्या करके ये सब गोपी बन करके आए, ये कोई आप हम जैसे कोई ये लड़की नहीं है। तो आगे सुनेंगे ये सब कौन कौन है सबके सब, हैं, इसलिए कौन कौन सब ये गोपियां हैं। इसलिए इन लोगों ने जब कृष्ण संतुष्ट हुए उन्होंने उनका वस्त्र हरण किया, वस्त्र हरण करके स्त्रियों के लिए लज्जा होता है सब कुछ लज्जा, लेकिन उन लोगों ने सारे लज्जा को त्याग दे करके कृष्ण के चरण में संपूर्ण रूप में उनने शरणागत हो गए। कृष्ण ये चीज को देख करके संतुष्ट हो गए, बोले तुम लोगों को साथ में मैं शरद पूर्णिमा में तुम लोगों को साथ में मैं रास करूंगा। भगवान उनको वरदान दी। आज शरद पूर्णिमा है, कृष्ण सो रहे थे, हठात उन्होंने अपना खिड़की को खोले, खिड़की को खोले तो उन्होंने देखा शरद पूर्णिमा में चंद्र उदय हुआ। चंद्र उदय होने पर जब चंद्रमा उदय होता है देखना पूरा उसी दिशा एकदम लाल रंग हो जाता है, हाँ लाल रंग हो जाता है। इतने में कृष्ण ने जब उनने पूर्व दिशा को देखा संपूर्ण लाल रंग धारण किया, तब यहाँ पर कह रहे हैं कृष्ण कौन सा वंश में आए, बोले चंद्र वंश में, हाँ रामचंद्र सूर्य वंश में, कृष्ण चंद्र वंश में। यहाँ पर उदाहरण दिया पूर्व दिशा को, उदाहरण दिया ये इंद्र का पत्नी है, जैसे कोई पति जब दूर देश जाता है साल में 5 साल में जब पति वापस आता है ना पत्नी बड़ी दुखी रहती है, हमें छोड़ करके 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद में पति आ रहा है पत्नी बड़ी दुखी रहती है। लेकिन जब पति दूर देश से आता है ना क्या करता है, हाथ में गुलाल लेता है, गुलाल लेकर के अपना पत्नी को जो मुंह में पूरा गुलाल लगा देता है, कहते ये प्रेम का प्रतीक है, प्रेम का चिन्ह है, पत्नी का मुंह एकदम गुलाल रंग से पत्नी का मुंह को भर देता है। इसलिए कृष्ण ने देखा चंद्रमा को और कृष्ण चंद्रवंशी और पूर्व दिशा को उदाहरण दिया ये इंद्र का ये पत्नी, ये इंद्र का पत्नी है, लेकिन इंद्र का पत्नी को जो मुंह को चंद्रमा ने क्या किया गुलाल से उसका मुंह को जैसे गुलाल रंग से भर देता है, जब चंद्रमा उदय हुआ पूरा गुलाल रंग था, गुलाल को देख करके जैसे लगा जैसे उसको मुंह को उसने भर दिया। तो उन्होंने बताया जब चंद्रमा इंद्र का पत्नी को मुंह से गुलाल से भर दिया है, गुलाल से भर दिया और चंद्रमा को बताया ये चंद्रमा इसका पत्नी कौन, बोले तारकाय, तारकाय की पत्नी, लेकिन उसने अपना पत्नी को छोड़ करके क्या किए दूसरे पत्नी का मुंह को जब उन्होंने गुलाल से भर दिया
तब फिर मैं तो गोप जाती हूँ। कृष्ण सोच रहे मैं तो गोप जाती, इसलिए फिर मैं नियम होता है बोल जत जत आचरति श्रेष्ठ तत् तत् एव तर्जना, मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है उसको देख करके श्रेष्ठ लोग से क्या करते हैं, कहते जब मेरे वंश का जो मूल चंद्रमा जब वो दूसरे पत्नी का मुंह को गुलाल से भर सकता है, फिर मैं गोपियों के साथ में क्यों नहीं रास रचा सकता हूँ। इसलिए कृष्ण ये सोच करके कृष्ण ने फिर रास लीला करने के लिए कृष्ण ने प्रवृत्त हुए। जब प्रवृत्त हुए तो यहाँ पर उदाहरण दिया, देखा तो उन्होंने चंद्रमा को, लेकिन उनको याद आई किसकी, बोले राधा रानी को याद आई, राधा रानी को। इसलिए इसलिए राधा रानी को चंद्रानी बताया, राधा रानी का जो मुंह है ना एकदम चंद्रमा जैसे गोल है, एकदम गोल है, इसलिए उनको चंद्रानी बताया। इसलिए और जो चंद्रमा जो उदय हुए कहते पूर्ण चंद्र, पूर्ण चंद्र है, पूर्ण चंद्र जब उदय हुए कहते सोलह कला में परिपूर्ण है पूर्ण चंद्रमा। जैसे प्रथमा द्वितीया करते 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 पूर्णिमा को चंद्रमा एकदम पूर्ण रूप में प्रकट होता है, कहते उसी तरह उन्होंने उसको तो देखा लेकिन कृष्ण को याद आया, श्री राधा रानी की मुखचंद्र की याद आई। याद आते ही बोले राधा रानी के मुखचंद्र कैसे, बोले अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत कुंभ सा प्रभूत साथ कुंभ कुंभि कुंभ सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण साख सागरे कदा करी शशि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। इसलिए उन्होंने चंद्रमा को देख करके राधा रानी के मुख चंद्रमा कैसे, बोले अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते, जिसको श्री उज्जवल निर्मणि में श्री रूप गोस्वामी एक एक भाव को वर्णना कहते हैं, जिसको बोले किलकिचित भाव, किलकिचित भाव एक बताया। किलकिचित भाव मतलब है जब एक नायिका को अंदर में एक साथ में बहुत सारे भाव प्रकट हो, एक साथ में बहुत बहुत सारे भाव प्रकट हो, क्रोध हो, हर्ष हो, अभिमान हो, तरह तरह का जब भाव एक साथ में प्रकट होता है उसको किलकिचित भाव बताया। इसलिए राधा रानी का मुखारविंद अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषित, राधा रानी का जो मुख कमल एक साथ में बहुत सारे भाव एक साथ में प्रकट होता है। इसलिए वहां पर बताए देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परा देवता सर्व लक्ष्मीमयी सर्व कांति सन्मोहिनी परा। तो ये गौतम तंत्र में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में राधा रानी के यहाँ पर अलग अलग नाम ली गए, अलग अलग। उनका पहला नाम क्या, बोले देवी। बोले राधा रानी को देवी क्यों बताए, बोले देवी दुत्यमाना परमा सुंदरी, इसलिए राधा रानी को हम कहते ना देखो ये लड़की देवी जैसे लग रही है, कहते ना देवी जैसे, देवी मतलब दिदीप्यमान अत्यंत सुंदर है, इसलिए राधा रानी को देवी शब्द बताया गया। क्योंकि राधा रानी की जैसे सुंदरता जगत में किसकी है ही नहीं, सुंदरता राधा रानी, इतने सुंदर श्री राधा रानी। जिसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, हम पहले बताए ना राधा रानी कितना सुंदर, सारे गोपियों की सुंदरता को एकत्रित करो तभी राधा रानी के चरण के नख की छटा को सामने भी हम बराबर नहीं कर सकते हैं। इसलिए कृष्ण सोचते हैं जगत का सबसे सुंदर मैं हूँ, पृथ्वी का सबसे सुंदर मैं हूँ, लेकिन जब मैं राधा रानी की सुंदरता को देखता हूं ना कहते बंसी करान निपतित स्खलितम शिखंडम भ्रष्ट च पीत वसनम ब्रजराज सुनो। इसका मतलब कह रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती वर्णना करते हैं, जब राधा रानी केवल है एक तेरे से चितवन से केवल कृष्ण को एक बार देख ले, बस देखते ही कहते बंसी करान निपतितम, कृष्ण जो बंसरी बजाते हैं ना कृष्ण का बंसरी हाथ से गिर पड़ता है, और उनका जो मर मुकुट सर में वो मर मुकुट भी गिर पड़ता है, कृष्ण का जो वस्त्र है ना ये भी कब खिसक जाता कृष्ण को पता नहीं चलता, और उनको एक बाण में तो कृष्ण भी स्वयं बेहोश होकर गिर जाते हैं। पर राधा रानी उनका सर पर हाथ रख करके कहते जयते संजीवनी, राधा रानी को बताया संजीवनी, राधा संजीवनी एक दवा होता है ना संजीवनी, पर राधा रानी अपना हाथ कृष्ण का सर पर रख करके उनको होश को बेहोश को उन्हें होश दिलाती है। इसलिए कहते राधा रानी इतने सुंदर श्री राधा रानी, अपूर्व सुंदर श्री राधा रानी,
इसलिए राधा रानी प्रकट होने पर हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए, जब तो राधा रानी प्रकट होती है ना, कृष्ण जिनको देख करके बोली कौन है, कहती कौन है, क्या मेरे जीवन स्वरूपिणी, ना ये आनंद स्वरूपिणी, ना ये प्रेम रस की एक धारा है श्री राधा रानी। इसलिए उनको बताया देवी दत्तमाना परमा सुंदरी। बात देवी दूसरा अर्थ बताया कृष्ण लीला की बसती नगरी। उदाहरण दिया राधा रानी क्या है, उदाहरण दिया जैसे के बगीचा है, नहीं तो के बाग है। और कृष्ण कौन है, बोले जिस बगीचा में कृष्ण, जिस बगीचा में क्रीड़ा करते हैं, है कृष्ण लीला बसती नगरी। बार राधा रानी को उदाहरण दिया जैसे एक नगर है, जिस नगर में राधा रानी रूपी नगर में कृष्ण जिस नगर में निवास करते हैं। देवी उनका नाम, दूसरा नाम देवी कृष्णमयी। बोले कृष्णमयी नाम क्यों, बोले कृष्ण जार बाहर भीतर है, जहां नेत्र बड़े तहां कृष्ण स्फुर। मतलब है राधा रानी का एक नाम है श्यामा, है इसलिए श्यामा। श्यामा नाम क्यों पड़ा, बोले श्यामा आप पुरी में गए होंगे, आप तोटा गोपीनाथ मंदिर में देखे होंगे, हर जगह में देखे राधा रानी गोरी है, लेकिन तोटा गोपीनाथ मंदिर में देखना राधा रानी गोरी नहीं, राधा रानी काली है। बोले काली क्यों, बोले राधा रानी कृष्ण चिंता करते 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 एकदम कृष्ण रंग में वो रंगी हुई है, इसलिए राधा रानी का नाम श्यामा। हाँ इसलिए जहाँ नेत्र पड़े तहाँ कृष्ण स्फुरे, राधा रानी जहाँ उनके नेत्र पड़ती है केवल कृष्ण 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 कृष्ण, केवल कृष्ण कृष्ण देखती है, इसलिए उनका नाम है क्या है कृष्णमयी। कृष्ण जिसका बाहर भी है जिसका भीतर, से देवी कृष्णमयी प्रोक्ता। बोले उनका तीसरा नाम है राधिका। बोले राधिका नाम क्यों पड़ा, बोले राधिका शब्द का बहुत अर्थ बताया, बहुत अर्थ राधा रानी का साथ नाम बताया, राधिका नाम क्यों पड़ा। कभी बृहदारण्य उपनिषद में बताया, बोले एक समय कृष्ण वृंदावन का कल्प वृक्ष का नीचे खड़े थे। अभी कृष्ण सोच रहे हैं रास करेंगे, लेकिन अकेले तो रास कर ही नहीं सकते, तब कृष्ण की इच्छा हुई मैं रास करूंगा, लेकिन एक स्वरूप में तो कर ही नहीं सकते। इतने में देखा कृष्ण का जो बाम अंग फड़कना शुरू हुआ, कंपन होना शुरू हुआ, करते करते एक दिव्य एक नारी, उनका बाम अंग से एक दिव्य नारी प्रकट होती है। प्रकट होकर के और रास ऐसे प्रकट हुई, इसलिए पहला कर बोलेगा रा। और प्रकट होते ही सुंदर सुंदर फूल को उनने चयन करके कृष्ण की चरण की सेवा करते करने के लिए धावित तो हुई। धावित तो मतलब होता है दौड़ना, धावित तो हुई, इसलिए उनका नाम पड़ गया रा और धा नाम पड़ गया, ये एक अर्थ है। बोले रा मतलब भक्ति, बोले धा बोले हर जीवों को जो भक्ति देने वाली है, इसलिए बताए भक्ति रे वह नयति भक्ति रे वह दर्शयति। मतलब जीव जो भगवान को प्राप्त करता है भक्ति को द्वारा है। अरे भक्ति स्वरूपिणी कौन, बोले राधा रानी भक्ति स्वरूपिणी है। हाँ इसलिए गोविंदा नंदिनी राधा गोविंदा सर्वस्व राधा रानी, इसलिए उनको इसलिए नाम राधा नाम पड़ा। इसलिए कहते श्री गोपाल तापन उपनिषद में, बोले राधा मतलब कृष्ण क्या मतलब, बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा और कृष्ण समा आराध्यते इति राधा। मतलब है कृष्ण भी जिनको आराधना करते हैं, बोले कहाँ पर, बोले सेवा कुंज में, सेवा कुंज में कृष्ण भी जहाँ जिनको आराध राधा रानी, इसलिए इसका ना सेवा कुंज इसलिए ना पड़ा। बोले बैठ पैलट राधिका पायन, रसगान कहते हैं, बोले वो परम ब्रह्म को मैंने वेद में ढूंढा, पुराण में ढूंढा, उपनिषद में ढूंढा, लेकिन वो कहीं मिले ही नहीं, लेकिन ढूंढते ढूंढते वृंदावन में मिले। बोले कहाँ पर, बोले सेवा कुंज में। बोले क्या करते हुए, बोले बैठ पैलट राधिका पायन, राधा रानी के चरण की सेवा करते हुए वो मिले हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया राधा। बोला कृष्णम समाराधयति राधा, बोले कृष्ण भी राधा रानी की, राधा भी कृष्ण का आराधना करती है, इसलिए उनका नाम राधा नाम पड़ा। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कृष्ण जब रास से अंतर ध्यान हो गए, जब अंतर ध्यान हो गए इतने में कृष्ण ने, कृष्ण भी अंतर ध्यान हो गए, राधा रानी मान करके रासलीला छोड़ दी, इतने में कृष्ण थोड़ी दूर गए जाकर के एक श्यामा सखी का रूप धारण कर लिया। श्यामा सखी रूप धारण करके बोले काम करो, चलो हम कृष्ण को ढूंढने के लिए चलेंगे, लेकिन दो दो होकर के अकेले नहीं,
कृष्ण ने क्या किया, राधा रानी का हाथ पकड़ ली। हाँ? लेकिन राधा रानी को पता नहीं चला, कृष्ण इसलिए श्यामा सखी रूप धारण किया, बोले अगर मैं पुरुष रूप में रहूंगा तो राधा तो मान की राधा रानी, वो मानेगी नहीं, इसलिए कृष्ण श्यामा सखी रूप धारण करते हुए राधा रानी को कुंज में लेकर गए और सुंदर रूप में उनका श्रृंगार करवाए। जब श्रृंगार कर रहे थे गोपियों ने ढूंढे, बोले कृष्ण गए कहाँ गए कहाँ। जब उन्हें ढूंढते ढूंढते जब थोड़ी दूर तक गए, कृष्ण का चरण चिन्ह देखा, कृष्ण का चरण चिन्ह सब कृष्ण का चरण सेवा सब करती है, इसलिए कृष्ण का चरण चिन्ह सबको पता है, लेकिन राधा रानी का चरण का सेवा सब नहीं करते हैं, केवल राधा पक्षी और गोपियां करती हैं। इसलिए जब थोड़ी दूर गए ना, कृष्ण का दोनों चरणों के बीच में एक छोटा सा चरण, एक सुंदर चरण चिन्ह देखा, बस सुखदेव गोस्वामी तो देखकर पहचान गए, बोले हमारी राधा रानी की। राधा रानी तो बड़े खुश हो गए, राधा पक्षी गोपियां तो बड़े खुश हो गए, ललिता विशाखा हमारे कृष्ण देखो किसी को नहीं केवल राधा रानी को लेकर गई। और सुखदेव गोस्वामी तो इतने प्रसन्न इतने खुश हो गए, हमारे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते तो ये जो श्लोक है, कहते तो भागवत में राधा रानी का नाम को, जैसे दो पार्टी में युद्ध होता है ना, युद्ध होकर जो पार्टी जीत जाता है क्या करता है, शंख लेकर के बजाता है, हमारा विजय प्राप्त हुआ। कहते यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते जो श्लोक नहीं ये शंख नाद है। हाँ, शंख बजाते हुए बोले देखो रास में तो सब गोपियां थी, स्वपक्ष विपक्ष तटस्थ सूर्यदीप के सब गोपियां वहां पर थी, लेकिन देखो तो देखो हमारे श्याम सुंदर ने किसको लेकर गए हैं, केवल हमारे श्री राधा रानी को लेकर गए। बोले अनयाराधित नुनम, यही सखी ही कृष्ण को सर्वोत्तम रूप में आराधना करती सेवा करती है, इसलिए कृष्ण सबको छोड़ करके केवल इसी गोपी को लेकर गए। बोले श्री राधा रानी की जय, इसलिए इनका नाम है राधे का नाम पड़ा। बहुत समय हो गया, फिर कल से इसको बाद से ना, फिर कल से सुनेंगे यहाँ से क्या बोलते, ठीक है? फिर आप लोगों को कल रात भर तो सोए नहीं, 1 बजे 2 बजे सोए ना। आप तो भी हाँ, मैं भी कुछ पढ़ रहा था, मैं भी कुछ पढ़ रहा था, आप लोग गए जब सुनने के हम लिए मेरे। ऊपर गए तब आपका हाँ, लाइट लाइट ऑन ऑन था। था, इसको बंद कर दो। अच्छा,